क्या टूट गई है इस मशहूर एक्टर की तीसरी शादी? क्या बच्चों को लेकर रूस चली गई है बीवी? क्या 51 साल के एक्टर का होने जा रहा है तीसरी बार तलाक? तो चार बच्चों के पिता की पहली दो शादियां भी रही थी नाकाम। जी हां, इस वक्त हर मीडिया हेडलाइंस में सिर्फ और सिर्फ यही खबरें चर्चा में छाई हुई हैं। और भाई ऐसा होगा भी क्यों नहीं, आखिर इंडस्ट्री का ये मशहूर एक्टर अपनी निजी जिंदगी में आए भूचाल की वजह से लाइमलाइट जो बटोर रहा है। खबरें हैं कि इस एक्टर की तीसरी शादी भी अब टूटने की कगार पर है। बताया जा रहा है कि दो शादियों में नाकाम रहने के बाद अब इस एक्टर ने तीसरी बीवी से भी राहें अलग करने का फैसला कर लिया है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक्टर है कौन, तो चलिए हम आपको बताते हैं इनके बारे में। दरअसल ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि साउथ सिनेमा के जाने माने स्टार पवन कल्याण हैं, जो इस वक्त अपनी शादीशुदा जिंदगी में चल रही उथल पुथल की वजह से खबरों का हिस्सा बन गए हैं। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि पवन अपनी तीसरी बीवी अना लेजनेवा से अलग हो गए हैं। पवन ने इस रिश्ते को खत्म कर तलाक लेने का मन बना लिया है। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि पवन की तीसरी पत्नी अना अपने बच्चों के साथ अलग रह रही हैं। वो अपने बच्चों के साथ वापस रूस चली गई हैं और पवन कल्याण उनके साथ फोन और वीडियो कॉल पर जुड़े हुए हैं। दूसरी ओर इन खबरों को जोर तब मिला जब पवन की पत्नी परिवार के फंक्शन से ही नदारद रही। इसके अलावा वो सुपरस्टार रामचरण और उपासना की बेटी क्लिन कारा कोनीडेला के पालना सेरेमनी में भी शामिल नहीं हुई, जिसके बाद से ही इस जोड़ी के अलग होने की खबरें मीडिया में फैली। हालांकि अभी तक ना तो पवन और ना ही उनकी पत्नी की ओर से इस बात पर कोई रिएक्शन सामने आया है। आपको बता दें कि पवन ने साल 2013 में रूसी मॉडल एना से शादी की थी, जिसके बाद वो एक बेटी पोलिना अंजना पनोवा के पिता बने। साथ ही उनका एक बेटा भी है जिसका नाम मार्क शंकर पवनोविच है। और अब शादी के 10 सालों बाद इस जोड़ी के बसे बसाए घर के टूटने की बातों ने खबरों का बाजार गर्म कर दिया है। गौरतलब है कि पवन एक ऐसे एक्टर रहे हैं जो अपनी निजी जिंदगी की वजह से शुरुआत से ही खबरों में बने रहते हैं। उनकी पहली शादी की बात करें तो पवन ने नंदिनी से अरेंज मैरिज की थी। पहली शादी के कुछ वक्त बाद ही उनका अफेयर रेनू देसाई से हो गया और वो उनके साथ लिव इन में रहने लगे। शादीशुदा होने के बावजूद वो रेनू के प्यार में पड़ गए थे और उनका नंदिनी से तलाक हो गया। पहली शादी टूटने के बाद पवन ने साल 2009 में रेनू देसाई से शादी करा ली थी। इस शादी से उनके दो बच्चे अकीरा नंदन और आध्या हुए, लेकिन कुछ बातों के चलते साल 2012 में इन दोनों का भी तलाक हो गया, जिसके बाद 2013 में वो तीसरी बार शादी के बंधन में बंधे थे। बताया जाता है कि एना की वजह से ही पवन की दूसरी शादी भी टूटी थी। ब्यूरो रिपोर्ट E24।